नमस्कार दोस्तों, तेज स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग RRB LP साइको टेस्ट में बैटरी 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें डेप्थ परसेप्शन टेस्ट आता है और उसका ब्रिक टेस्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग ईंट परीक्षण पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे और उसको उस पर आधारित क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी लोको पायलट में दिया गया था 5 बैटरी आएंगी, तो पहली हम लोगों ने स्मृति परीक्षण पढ़ लिया है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट भी पढ़ लिया है। अगर आपने इन दोनों बैटरीज में नहीं देखा है आपने, तो ये प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इनको। आज हम लोग डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ईंट परीक्षण पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि हैं, पहला पॉइंट है कि ईंट परीक्षण में सभी ईंटें एक ही माप की होती हैं। तो जो भी हमारी ईंटों के चट्टे दिए रहते हैं, ग्रुप्स में ईंटों को चट्टे बनाए रख दिया जाता है, वो हमारा क्या होता है, सारी ईंटों की माप एक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईंट एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, यानी क्यूबॉइड होता है, ये सभी को पता होगा। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात क्रमशः 4:2:1 में होता है। तो 4:2:1 अनुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे कि चार का मतलब क्या हुआ कि ये लंबाई होगी 4, अगर चौड़ाई 2 होगी तो इसकी मोटाई 1 होगी। मतलब कि ऐसे 4 मोटाई 1 लंबाई के समान है। इसलिए यहाँ पर मैंने फार्मूले के रूप में लिख दिया है कि लंबाई 4 मोटाई को कवर करेगी। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये फिगर है 4 ईंटों का, 1, 2, 3, 4, इन चारों ईंटों की चौड़ाई जो है, मोटाई जिसको कह सकते हैं, इस चारों ईंटों की मोटाई जो है एक ईंट की लंबाई को फुल्ली कवर कर रही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब हम लोग गिनेंगे तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगली पॉइंट है कि चौड़ाई बराबर 2 गुणे मोटाई। तो चौड़ाई जो होगी हमारी 2 मोटाई के बराबर होगी। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं, ये इस मोटी ईंट की चौड़ाई जो है 2 ईंटों की मोटाई के बराबर है। तो ये दूसरा फार्मूला इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट फार्मूला है लंबाई बराबर 2 गुणी चौड़ाई। तो लंबाई 2 चौड़ाई के बराबर होगी। तो इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो लंबाई है इस ईंट की, ये 2 ईंटों की चौड़ाई के बराबर होगी। तो आई होप आपको तीनों फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कि इसमें कई ईंटों को मिलाकर एक चट्टा तैयार किया जाता है, जिसमें केवल सतह से स्पर्श करने वाले ईंटों को ही गिना जाता है। तो इसमें ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि इसमें सतह से स्पर्श करने वाली ईंटों को ही गिना जाता है, ना कि उनके कॉर्नर यानी कोनों या किनारों से स्पर्श करने वाले ईंटों को नहीं गिना जाता। अगला पॉइंट है, ईंट की किसी भी स्थिति में अधिकतम 3 सतहों को देखा जा सकता है और न्यूनतम 1 सतह को। तो ईंट चाहे जिस स्थिति में होगी, मैक्सिमम हम होगी 3 सतह को देख सकते हैं और कम से कम 1 सतह तो दिखेगी ही दिखेगी। अगला पॉइंट है कि ईंट एक घनाव आकृति होती है, जिसमें 6 सतह और 12 कोर होती हैं। तो ईंट में 6 सतह होती हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं और अगल बगल मिलाकर 6 सतह होती हैं और 12 कोने होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस पे सॉल्व करते हैं, तो समझ में आएगा कि कैसे हम इसको लगाएंगे। तो जैसे कि ये है पहला, ए कितने ईंटों को टच कर रहा है, तो हम कैसे इसको देखेंगे, इसमें पहले राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, अपर साइड देखेंगे और बिलो साइड देखेंगे।
तो राइट साइड में एक ईंट है सी, लेफ्ट साइड में ये है, ये दो ईंटें हैं और ऊपर एक ईंट है और नीचे ये वाली ईंट है, और इस साइड में हम आकर देखेंगे तो ये ईंट है और ये ईंट है। तो इस तरीके से एक पे कितनी ईंटें टच कर रही हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः और ये सात, तो एक आंसर हमारा सात ईंटें हो जाएंगी जो कि एक को टच कर रही हैं। अगला है बी, बी को कितनी ईंटें टच कर रही हैं, तो बी में देखिए, बी में ये लंबाई है और इसमें चार चौड़ाई यानी चार मोटाई कवर हो जाएगी, तो दो मोटाई और एक चौड़ाई से कवर कर रहे हैं, यानी तीन ईंटें यहाँ टच कर रही हैं नीचे, ऊपर एक ईंट टच कर रही है और बगल में एक ईंट टच कर रही है, तो तीन एक चार और एक पाँच, तो बी को पाँच ईंटें टच कर रही हैं। इसी प्रकार सी को देखते हैं, सी में देखिए ऊपर एक ईंट टच कर रही है, बाएं में इसके एक टच कर रही है, नीचे भी एक टच कर रही है और इधर से नीचे देखिए ये ईंट टच कर रही है, ये ईंट यहाँ तक और ये दोनों ईंट भी सी को टच कर रही हैं पीछे से, तो तीन नीचे हो गई, बगल में एक और ऊपर एक, तो ये टोटल पांच ईंटें हैं जो सी को टच कर रही हैं। वैसे अब देख लेते हैं डी के लिए, डी में देखिए इस बगल एक ईंट है ये और इस बगल दो ईंट है ये, और ऊपर से एक ईंट ये है, एक ईंट ये है और एक ईंट ये है, तो ऊपर तीन ईंटें टच कर रही हैं, इस बगल दो ईंटें और इस बगल एक ईंट, तो तीन दो पाँच और एक छः ईंटें डी को टच कर रही हैं। वैसे ई में देखते हैं, ई में नीचे से एक है, ऊपर से तीन ईंटें हैं, एक दो तीन और पीछे से एक ईंट है, तो एक दो और तीन पाँच, तो ई को हमारी पाँच ईंटें टच कर रही हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और लगाते हैं, इसमें देखिए इसमें जो है ए में कितने ईंटें टच कर रही हैं, तो ए में नीचे से एक, इस बगल से एक, इस बगल से एक, ऊपर से एक ईंट दो ईंट और तीन ईंट, ऊपर से तीन और बगल से एक ये और एक ये, तीन तीन छः, छः ईंटें ई को टच कर रही हैं। इसी प्रकार बी को देखते हैं, बी में नीचे से तीन ईंटें टच कर रही हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, तो ये तीन ईंटें टच कर रही हैं, ऊपर से ये ईंट टच कर रही है बी को और बगल से ये ईंट टच कर रही है, तो टोटल हमारी तीन दो पांच ईंटें जो हैं बी को टच कर रही हैं। इसी प्रकार सी को देखते हैं, सी में ये ईंट है और ऊपर से एक ईंट है, तो इसमें कितने ईंटें टच कर रही हैं, तीन ईंटें टच कर रही हैं सी को। इसी प्रकार डी में देखते हैं, डी में दाहिने साइड में इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन एक चार और एक पाँच इधर से, और इधर से ये भी टच कर रही है पीछे से, तो पाँच एक छः एक सात, टोटल इसमें डी को सात ईंटें जो है टच कर रही हैं, सेवन। वैसे ई में देखते हैं, ई के लिए ई के ऊपर से एक टच कर रही है, नीचे से तीन टच कर रही है, दाहिने से एक टच कर रही है, तो तीन एक चार एक पाँच, पाँच ईंटें जो है इसको भी टच कर रही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी देखते हैं उसी प्रकार से, इसमें देखते हैं पहला ए, ए कितनी ईंटों को टच कर रहा है, तो ए इधर से एक, इधर दो, ऊपर से एक, तो एक दो और दो चार, तो ए चार ईंटों को टच कर रहा है। वैसे बी में देखते हैं, बी नीचे से एक, दाहिने से एक, ऊपर से दो, तो दो दो चार, ये चार ईंटों को ये भी टच कर रहा है। वैसे सी को देखते हैं, सी ऊपर से एक, दाहिने से एक, बाएं से एक और नीचे से दो, तो दो एक तीन एक चार एक पाँच, तो सी पाँच ईंटों को टच कर रहा है।
इसी प्रकार डी डी को देखते हैं, डी नीचे से एक है, दाहिनी साइड से दो है और ऊपर से एक है, तो दो दो चार, यानी डी चार ईंटों को टच कर रहा है। इसी प्रकार ई को देखते हैं, तो ई में ऊपर दो ईंटें टच कर रही है, नीचे एक, दाहिने एक और बाएं एक, तो तीन दो पाँच, तो ई पाँच ईंटों को टच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसमें भी उसी प्रकार से ए कितने ईंटों को टच कर रहा है देखते हैं, ए दाहिने से बी को टच कर रहा है और इधर बाएं से चार ईंटों को टच कर रहा है, तो चार एक पाँच ईंटों को ए टच कर रहा है। उसी प्रकार बी बी भी उसी प्रकार चार और इधर बाएं से ए को टच कर रहा है, तो ये भी पाँच ईंटों को टच करेगा। सी में देखते हैं, सी में ऊपर से इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और दाहिने से इस ईंट को टच करेगा, इस ईंट को टच करेगा। इसी प्रकार से बाएं से इसमें इसको और इसमें इसको टच करेगा, तो इसमें टोटल सिक्स ईंट को ये सी टच करेगा। उसे डी डी में देखते हैं, डी में क्या होता है कि ये चार ईंटों को तो टच ही करेगा, इधर से भी एक टच करेगा, तो इसमें पाँच ईंटों को टच कर रहा है। ई को देखते हैं, ई में देखिए एक ये है, एक ये है और दो इधर से, दो इधर से, यानी चार दो छः ईंटों को ई टच करेगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप दोस्तों आज के बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।